सो आज हमारे पास आ चुका है वीवो की तरफ से T1 Pro, जिसका दूसरा नाम है IQ Z6 Pro। दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अगर दोनों में से कोई भी हो या फिर किसी दूसरे फ़ोन को आप खरीदना चाहते हो डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाके आप लोग खरीद सकते हो। तो इस फ़ोन में आज हम करने वाले हैं फ्री फायर का गेमिंग टेस्ट। तो पहले ही यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलता, ये डॉक्यूमेंटेशन छोड़ते हैं और सीधा देखते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 66 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि एक गेमर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही आपको मिलता है एक सस्ता सा बैक कवर, जिसे मैं अभी निकाल लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को बैक दिखा सकूं। इसका बैक देख सकते हो गाइस, यहां पे मैं स्क्रैच करने की कोशिश करता हूं, तो चार्जर से मैं यहां पर खरीदने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना। तो गाइस इसका जो बैक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। बस यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको एक कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा अगर आप ईयरफोन यूज़ करना चाहते हो। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल एमोलेड वाला डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलता है 1300 निट्स का ब्राइटनेस। तो ये जो ब्राइटनेस है ना, काफ़ी ज़्यादा है अगर आप रूम के अंदर यूज करो या फिर बाहर यूज करो, बहुत ही अच्छा है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 778 5G वाला प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 6nm पर, जो कि एक तगड़ा प्रोसेसर माना जाता है गेमिंग के लिए। साथ ही बैटरी एफिशिएंसी भी है, तो आपका जो बैटरी है वो भी बहुत टाइम तक चलेगा। तो फिर चलो बिना देर के शुरुआत करते हैं अपना गेमिंग टेस्ट और ओपन कर लेते हैं अपना प्यारा सा फ्री फायर को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेम मोड जो है यहाँ पे इनेबल हो चुका है, और आगे देखेंगे गेम मोड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो इस वीडियो में बने रहे। तो और यार यहाँ पे मैंने डाटा ऑन नहीं किया है, चलो मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। चलो गाइस एंटर करते हैं अपने फ्री फायर मैक्स के अंदर और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल के देखता है, हेडशॉट्स वगैरह लगते हैं कि नहीं, सेंसिटिविटी कैसी होती है, तो सब कुछ यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। पहली बात तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भाई इसके जो कलर्स है ना, वो काफ़ी बढ़िया लगे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो इसके कलर्स काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। और साथ ही प्रोसेसर तो बहुत ही तगड़ा है, तो यहाँ पर हाई ग्राफिक्स पर हम लोग खेलने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि ग्राफिक्स सेटिंग को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है हाई रिजोल्यूशन के साथ फ्री फायर मैक्स वाला सेटिंग, और शैडो वगैरह सब कुछ ऑन है, एकदम हाई सेटिंग पे खेलने वाले हैं। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस निकल कर देता है, और यहाँ पे साउंड वगैरह कुछ जाने दो। उससे पहले इसका गेम मोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड से निकलता है और यहाँ पे आपको मिलता है ई स्पोर्ट्स मोड मिलता है। अगर आप टूर्नामेंट वगैरह खेलते हो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन कॉल वगैरह नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे है बैकग्राउंड कॉल और ब्लॉक नोटिफिकेशन। साथ ही आपको वॉइस चेंजर भी देखने को मिलता है, जिसमें 6 अलग अलग वॉइसेस आप चेंज कर सकते हो। और मिलता है यहाँ पे ईगल आई वाला एक फीचर, जिसमें क्या होता है कि आपके जो गेम के ग्राफिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, जिससे कि एनिमी को डिटेक्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे गेम मोड में आपको तीनों ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है बैटरी सेवर मोड, जिसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम मिलता है अगर आप बैटरी को ज़्यादा चलाना चाहते हो। फिर आता है बैलेंस मोड, और फिर आता है परफॉर्मेंस मोड। तो इन तीनों मोड में आप लोग खेल सकते हो आपके बैटरी के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप परफॉर्मेंस मोड पर खेल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और चलो अंदर देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। तो हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और सच बताऊं गाइस, इसका जो ग्राफिक सेटिंग है, जो कलर्स है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। शायद आपको ही पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो कलर्स है ना, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं गाइस। यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात करें तो भाई बहुत ही बढ़िया सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। 90Hz डिस्प्ले है, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और साथ ही 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है, जिसमें आपको गेम खेलते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे बढ़िया हेडशॉट भी लग रहे हैं, बढ़िया वॉल भी लग रहे हैं, भाई सेंसिटिविटी कतई जहर यहाँ पे मिलने वाली है। इस फोन में वो सब कुछ दिया गया है जो एक गेमर को चाहिए होगा। यहाँ पे 66 वाट का फास्ट चार्जर, 778 5G वाला प्रोसेसर, और साथ ही एमोलेड डिस्प्ले, वो भी 90Hz के साथ। तो इसमें सेंसिटिविटी को ज़बरदस्त मिलने वाली है, और साथ ही परफॉर्मेंस भी। आगे हमारे ऐसे बहुत से हैंड कैम वीडियोज़ आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे 60Hz और यहाँ पे 90Hz वाला डिस्प्ले को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो डिस्प्ले के अंदर आपको मिलता है। तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे 90Hz कर सकते हो या फिर 60Hz कर सकते हो। और अभी हम लोग करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट, और देखेंगे चार्जिंग टेस्ट में ये कितनी जल्दी कितना चार्ज हो पाता है। जहाँ पे हमको मिलता है 66W का फास्ट चार्जर, और देखेंगे कितनी जल्दी ये फास्ट चार्ज कर पाता है। तो देखो यहाँ पे 7:38 हुआ है, और बैटरी परसेंटेज बचा है 51%। तो चलो इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी ये चार्ज कर पाता है। तो यहाँ पे टाइम देख लो गाइस, यहाँ पे 7:39 हो गया। तो चलो अब शुरू करते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ पे रख लेते हैं, 5-6 मिनट के बाद हम देखेंगे कितना चार्ज ये कर पाता है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारे एनिमेशंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ अगर आप चार्जिंग एनिमेशन देखना चाहते हो तो इस तरीके का कुछ होता है, और अगर आप फ़ोन को ऑन करोगे तो इसका एनिमेशन देख सकते हो, कुछ इस तरीके का होगा।
ओके गाइज, यहाँ पे हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स सी कितना परसेंट। ओ भाई साहब, देख सकते हो 61% चार्जिंग हो चुका है। लगभग 10% का चार्ज हो चुका है 5 मिनट के अंदर। बस यही तो चाहिए एक गेमर को, फोन जल्दी चार्ज हो जाए और जल्दी से वो गेम खेल पाए। 4700 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि नॉर्मल यूजर्स में ना 2 दिन चल जाएगा, और गेमर के लिए दिन में एक बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ये था गाइज अपना नया डिवाइस के, और सारे वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस फोन के ना सबसे बेहतरीन पार्ट को तो मैंने छोड़ ही दिया यार, इसका जो कैमरा है ना बहुत ही तगड़ा है भाई। वीडियो रिकॉर्डिंग ना बहुत ही तगड़ा होता है। कैमरा सैंपल्स अगर तुम्हें देखना है ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर लेना, मैं डाल दूंगा वहाँ पे।